22 रजब के दिन एक रस्म अदा की जाती है जिसको रजब के कुंडे कहा जाता है। रजब के कुंडे ये बाकायदगी के साथ मनाया जाता है ये दिन, और इस दिन में जो है पत्थर के मिट्टी के कुंडे लाकर उसमें पकवान बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको भरा जाता है और ये अकीदा रखा जाता है। एक दास्तान अजीब नाम से एक किताब है, एक दास्तान है जो हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, और उसमें लिखा हुआ है कि 22 इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 22 रजब को जो कोई मेरे नाम से नजर करके कुंडे भरेगा और उसके बाद जो भी वो मुराद मांगेगा उसकी वो पूरी की जाएगी। अल्लाह अकबर। आप सोचिए क्या इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की उन पर रहमतें हों, क्या ऐसा कह सकते हैं? अल्लाह के अलावा अपनी नजर के ताल्लुक से, अपने नाम के खाने के ताल्लुक से कह सकते हैं और फिर ये बात के जो कुछ मांगेंगे अता किया जाएगा? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा शिर्क है। ये नजर, नियाज, कुर्बानी, चढ़ावा अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले के लिए है। अल्लाह के अलावा हम किसी के लिए नजर नहीं कर सकते। अल्लाह के अलावा हम